राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नवनियुक्त मीडिया कोऑर्डिनेटर एडवोकेट आनंद शर्मा ने बुधवार को अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी ने भी अपना पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। ये मोदी जी का नेतृत्व था। हम सब मिलकर राज्य और केंद्र की सरकार की योजनाओं को आम जनता तक लेकर जाएंगे। जिस प्रकार भजन लाल जी की सरकार का काम चल रहा है उसी कड़ी में मुझे भी एक दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा ये कि मैं जो ये जो दायित्व निभा रहा हूं, जैसा कि नाम से आप सभी को ध्यान में है कि मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका रहेगी, तो मैं निश्चित रूप से मीडिया और सरकार के बीच में जो बेहतर समन्वय का मैं प्रयास करूंगा। और मैं जो इस जगह पे पहुंचा हूं उसमें मीडिया बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा और बाकी जो भी मेरे को दायित्व मिला है इसका मैं पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की पंच निष्ठाएं हैं उन पंच निष्ठाओं के परिणाम स्वरूप प्रदेश में ये सरकार बनी है। उस सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें विजय मिली, राजस्थान उनमें से एक रहा। राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जब यहां दायित्व उन्हें प्रदान किया गया तो एक से एक अच्छी घटनाएं हुई। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर बना, और ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं हुई हैं और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है ये जगह। तो मुझे लग रहा है ये कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर जीती गई बनी गई सरकार है और उसमें कुछ दायित्व दिए गए हैं जो निभाने हैं, तो बस उनका मान रखा जाए और सरकार की नीति रीति, प्रधानमंत्री का जो भारत को विकसित बनाने का जो एक विजन है जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी आगे लेकर चल रहे हैं, बस उसी में एक गिलहरी की भूमिका जो हम सबको निभानी है। और आप भी जो देश के लिए काम कर रहे हो मुझे भी वही काम करना है। और बस ये तो स्थान है, आपका ही स्थान है, मीडिया का ही स्थान है और मैं और आप एक ही हैं, हमें कोई भेद भी नहीं है और हमारा ही ये स्थान है। तो बस ये चदरिया जैसी है वैसी की वैसी हमें रखनी है और आपको ही सभी का मार्गदर्शन करना है, क्योंकि आप ही माध्यम है, आप ही सब कुछ हैं। आपके कारण ही मैं यहाँ हूँ कार्यकर्ता, और आपके कारण, और मैं भी आप में से ही एक हूँ। तो ये सब मुझे लग रहा है कि मैं भले इधर हूँ लेकिन आप सब और मेरे में कोई भेद नहीं है, यही आप।